प्रेग्नेंट औरतों को प्रेग्नेंट होने के बाद काफी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। उनकी एक गलती मिसकैरेज की वजह बन सकती है। शायद इसी वजह से लोग प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन करने से परहेज करते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि प्रेगनेंसी की आखिरी तिमाही के दौरान रिलेशन बनाना पेट में पल रहे बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए ज्यादातर लोग प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में अपने पति के साथ रिलेशन बनाना बंद कर देते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी की आखिरी तिमाही में रिलेशन बनाना सेफ है या नहीं, प्रेगनेंसी की आखिरी तिमाही में रिलेशन क्यों बनाना चाहिए और प्रेगनेंसी की आखिरी तिमाही में प्रेग्नेंट औरत का ध्यान कैसे रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में रिलेशन बनाना सेफ है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही हर महीने में काफी ज्यादा खास होती है, क्योंकि अब आपकी डिलीवरी काफी ज्यादा करीब होती है। इस दौरान प्रेग्नेंट औरत का वजन भी बढ़ चुका होता है और पेट बाहर की तरफ बढ़ा हुआ होता है। महिला को थकान, पीठ में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द, ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में इन परेशानियों के साथ प्रेग्नेंट महिला और उनके पेट में पल रहे बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में आप रिलेशन बिल्कुल ना बनाएं। आइए अब हम ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी की आखिरी तिमाही में रिलेशन हमें क्यों नहीं बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में प्रेग्नेंट औरत का वजन बढ़ चुका होता है, उनका जो पेट होता है उसका आकार बढ़ चुका होता है। ऐसे में रिलेशन बनाने के कारण प्रेग्नेंट महिला के पेट पर दबाव पड़ने, पेट के निचले हिस्से में दर्द जैसी परेशानी होने का खतरा होता है और पेट पर दबाव पड़ने के कारण पेट में पल रहे बेबी को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में आप रिलेशन ना बनाएं। और अगर प्रेग्नेंट औरत को प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो पेट में पल रहे शिशु का भार नीचे की तरफ होता है, ऐसे में अगर प्रेग्नेंट महिला रिलेशन बना लेती है तो इसके कारण ब्लीडिंग की समस्या बढ़ने के साथ साथ पेट में पल रहे शिशु के विकास को भी खतरा पहुंच सकता है। तो इस तरह की कोई भी परेशानी प्रेग्नेंट महिला को ना हो, इससे बचाव के लिए प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में प्रेग्नेंट औरत को रिलेशन बनाने से भी बचना चाहिए। साथ ही अगर पहले से ही प्रेग्नेंट औरत का प्री मैच्योर बेबी पैदा हुआ है या फिर अभी पेट में एक से ज्यादा बेबी हो, तो ऐसे में भी आपको प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में गलती से भी रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण इस प्रेगनेंसी में भी प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा बढ़ सकता है, जिससे न केवल प्रेग्नेंट औरत बल्कि होने वाले बेबी को भी दिक्कत हो सकती है। और प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में वजन बढ़ने के कारण भी प्रेग्नेंट महिला वैसे ही बहुत सी शारीरिक परेशानियों से जूझ रही होती है। ऐसे में रिलेशन बनाने के कारण प्रेग्नेंट औरत की ये परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जैसे कि पेट में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द की प्रॉब्लम। इसलिए प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में आपको रिलेशन बनाने से बचना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीनों के दौरान रिलेशन ना बनाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि कभी कभी इस दौरान फिजिकल रिलेशन बनाने से प्रेग्नेंट औरत का एमनियोटिक लिक्विड बाहर आने का खतरा रहता है, जो आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में आप रिलेशन ना बनाएं। आइए अब हम ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी की आखिरी तिमाही में प्रेग्नेंट औरत को अपना ध्यान कैसा रखना चाहिए। तो दोस्तों, मां बनने के प्रोसेस में औरत के शरीर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। ये हार्मोनल और केमिकल चेंजेस ही एक औरत को कंसीव करने और डिलीवरी करने के लिए तैयार करते हैं। ऐसे में प्रेग्नेंट होने के बाद महिला के अंदर नई नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। ऐसे में रिलेशन बनाना उनकी प्रायोरिटी नहीं रह जाती, जबकि आपके पति में ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं आता, इसलिए उनकी तरफ से इस दौरान फिजिकल रिलेशन बनाने की इच्छा काफी ज्यादा रहती है। लेकिन ये जरूरी है कि आपके पति आप पर इसके लिए एक तरफा प्रेशर ना डालें। और प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट औरत की फिगर में भी काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं। ऐसे में आपको ये लग सकता है कि आपके पति दूसरी औरतों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब आप प्रेगनेंसी की वजह से उतनी सुंदर नहीं लगती हैं। ऐसे में आपके पति की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको ऐसी कोई भी फीलिंग्स ना आने दे और आपको प्रेगनेंसी के पूरे टाइम प्यार फील करवाए, आपकी केयर करे, क्योंकि आपके पेट में पल रहा बच्चा आप दोनों के प्यार की ही निशानी है। ऐसा करने से प्रेगनेंसी में आपके पति की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ती है और इससे आप अपने पति के साथ प्रेगनेंसी में ज्यादा से ज्यादा समय बिता पाएंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत इस बारे में बात करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि प्रेगनेंसी में मिसकैरेज क्यों होता है, तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर आ रही हमारी इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकती हैं, जिसमें हमने आपको इस बारे में अच्छे से बताया है।
इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।